एक बहुत ही खतरनाक सा कर्व आपने थंबनेल पे देखा भी, ठीक है। तो वो कर्व यही है आपके सामने, आर इज इक्वल्स टू ए इंटू ई की पावर थीटा कॉट अल्फा। शो दैट, इसको बोलने में मैं अटका जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो हमें प्रूव करना था, शो करना था कि एस अपॉन आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यानी एस अपॉन आर की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो सिंपली सबसे पहले जो काम करेंगे, हम इस कर्व को डिफ्रेंशिएट करें, क्योंकि हमें पता है कि हमें डी एस बाई डी आर निकालना पड़ेगा। और डी एस बाई डी आर कैसे निकलेगा, हमें जब तक डी आर बाई डी थीटा नहीं पता होगा, तब तक हम डी एस बाई डी आर नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। हालांकि बहुत सारे तरीके हैं इसको निकालने के, लेकिन मैंने सबसे ईजिएस्ट मेथड बताया है। सिंपली ये मैंने एक पीडीएफ इक्वेशन भी बताया है और बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बताते वक्त भी बताया है कि अगर आपको कोई भी पोलर कर्व मिलता है, ये पोलर कर्व है आर कॉमा थीटा में, तो उसको सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो मैंने डिफ्रेंशिएट किया है, तो ये आया हमारे पास, कॉन्स्टेंट आ गया है। तो देखिए, ए ई की पावर कॉट अल्फ़ा जो कि आर ही है अभी, ठीक है ना, ये आर है, तो हमने इसको आर वापस से आर लिख दिया और आर कॉट अल्फ़ा हो गया। तो हमें पता है डी एस बाई डी आर इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी, मतलब डी एस बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी आर। डी थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा और डी एस बाई डी आर ए बचेगा, ठीक है ना, यानी लेफ्ट इक्वल टू राइट हो गया। तो लेफ्ट इक्वल टू राइट हो गया, उसके बाद तो उससे क्या हो गया, लेफ्ट इक्वल टू राइट हो गया, इसका मतलब हमने कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं ताकि हम डी एस बाई डी आर निकाल पाएँ। सो वी रिक्वायर डी एस बाई डी थीटा, हमें डी एस बाई डी थीटा की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमने डी थीटा बाई डी आर ऑलरेडी निकाल लिया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए, डी एस बाई डी थीटा हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, हमें पता है फॉर्मूला आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो आर आर की वैल्यू हमने रखा, डी आर बाई थीटा की वैल्यू रखा हमने, डी आर बाई थीटा की वैल्यू होती है आर कॉट अल्फ़ा। तो आर कॉट अल्फ़ा हमने रखा, उसका स्क्वायर कर दिया, तो आर कॉमन हो गया, आर बाहर आ गया, वन प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा कोसेक स्क्वायर अल्फा होता है, तो कोसेक अल्फा बाहर हो जाएगा। डी एस बाई थीटा इज इक्वल टू आर कोसेक अल्फा होता है, जो कि बाहर आ गया। तो डी एस बाई डी आर इज इक्वल टू आर कोसेक अल्फा इंटू वन अपॉन आर कॉट अल्फा। सो आर आर कैंसिल हो जाएगा, कोसेक अल्फा क्या मतलब, साइन वन अपॉन साइन अल्फा हो जाएगा, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, साइन साइन कैंसिल, कॉस वन अपॉन कॉस इज इक्वल टू सेक अल्फा, ठीक है ना, सेक अल्फा हो गया। सो दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया हमने, डी एस इज इक्वल, अच्छा ये देखिए इसकी वैल्यू हमने निकाला है सेक अल्फा, सेक अल्फा कॉन्स्टेंट है, इसको दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, एस इज इक्वल टू आर सेक अल्फा, ठीक है, आर सेक अल्फा। उसके बाद आर सेक अल्फा यानी आर इधर ले आएंगे, तो एस अपॉन आर इज इक्वल टू सेक अल्फा, सेक अल्फा एक कांस्टेंट है, यानी इसको हम सी मान लेते हैं, तो एस अपॉन आर इज इक्वल टू सी हो जाएगा। हमने प्रूव कर दिया कि एस अपॉन आर की वैल्यू एक कांस्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक द वीडियो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, एंड इससे पहले कि आप चैनल छोड़ कर जाएँ और चैनल पर डिसलाइक दें, आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक्स वॉचिंग, अगर ना करना हो तो ना कर सकिए, ठीक है। वैसे दो वीडियोज़ रोज़ बीएससी के आते हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ भी सकती है, एक दिन में तीन वीडियोस भी आ सकते हैं, चार वीडियोस भी आ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस मेक श्योर यू सब्सक्राइब बिफोर यू प्रोसीड।